दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन कैसे बनाना है। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए ब्लाउज मैंने कट कर लिया है और ये 32 साइज का ब्लाउज है। तो देखिए मैंने ये 10 इंच लिया है और हमारा तैयार में ये 8 इंच आएगा और मैंने मुड्डे जो है 7 इंच लिए हैं और शोल्डर भी 7 इंच लिया है और ये मैंने बोट नेक कट कर लिया है। तो देखिए मैंने शोल्डर से 4 इंच लिया है और इस तरह से 4 इंच में इसको बॉक्स बना लिया है और यहाँ से भी 4 इंच लिया है। तो यहाँ पे इस तरह से बोट नेक कट कर दिया है और उसके बारे में आपको बताऊँगी डिजाइन कैसे डालें। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले ब्लाउज को साइड में रख देते हैं, ब्लाउज जो लाइनिंग है इसमें ही कट कर लेते हैं। तो देखिए मैं डिजाइन के बारे में बताती हूँ। तो देखिए जो हमने ये बोट नेक कट कर लिया है यहाँ से हम 1.5 इंच ले रहे हैं, इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा लें और उसके बाद नीचे निशान लगा लें। तो नीचे हम क्या करेंगे 3.5 इंच लेंगे। अभी इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को इस तरह से क्रॉस में रख लें टेप को। देखिए इस तरह से आएगा क्रॉस में। अभी सेम ड्राफ्ट पे हम इसको कट कर देते हैं। तो देखिए कैनवास का इस तरह के टुकड़े रहते हैं, अब इसमें से निकाल सकते हो क्योंकि इसमें स्ट्रेट पट्टी निकलेगी। तो जो ड्राफ्ट है इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। तो देखिए जो मैं पाइपिंग डालने वाली हूँ उस ड्राफ्ट को नीचे कपड़ा रख लें और देखिए जो ये ड्राफ्ट है हम इसको इस तरह से रख लेते हैं, सेट कर लेते हैं और इसी शेप में हम इसको कट कर देंगे और इसकी चौड़ाई जो है 1.5 इंच लेंगे। इसमें से हम 2 इंच चौड़ी क्रॉस में पट्टी कट करते हैं और इसी तरह हम साइज के अनुसार पट्टी कट। तो देखिए ये पट्टी भी मैंने कट कर ली है और कैनवास। तो हम क्या करेंगे आपको सिलने का तरीका बताते हैं। तो जो पट्टी हमने कट की है इसको इस तरह से आप वन साइड से स्टिच कर लेंगे दोनों साइड के पीसों को इसी तरह से और फिर हम ब्लाउज पर अटैच करेंगे। और देखिए डिजाइन डालने के लिए मैंने ये गोल्ड कलर का कपड़ा लिया है और आपको इसकी चौड़ाई बता देते हैं। देखिए 3.5 इंच ली है मैंने इसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने ज़्यादा ले ली है अभी क्योंकि जितना हमको ज़रूरत होगी उतना रखेंगे, बाकी को फिर निकाल देंगे। तो इस तरह की पट्टी मैंने दो कट कर ली है और देखिए अभी मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करके यहाँ से पूरा लंबे में स्टिच डाल देंगे और दोनों पीस इसी तरह तैयार कर लेंगे। फिर इसमें से पीस कट कट करके हम इसमें डिजाइन देंगे। अभी आपको सिलने का तरीका बताती हूँ। देखिए ब्लाउज को नीचे ये इस तरह से उल्टा रख लें और हमारा जो लाइनिंग का ड्राफ्ट है इसको इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे और अभी हम क्या करेंगे पूरा इसको स्टिच कर लेंगे दोनों साइडों के पीस को। स्टिच होने के बाद जो ही पार्ट है सेंटर पार्ट इसको हम कट कर देंगे। कट करके जो पट्टी हमने कट की है ये पट्टी से हम इसकी फिनिशिंग देंगे, पाइपिंग देंगे और उसके बाद बताएंगे इसमें डिजाइन कैसे दें। तो देखिए मैंने इस तरह से पूरा स्टिच कर लिया लाइनिंग के साथ में। अभी मैं इसमें प्लेट डाल देती हूँ। तो देखिए ये मार्किंग की थी हमने, ये तो हमारा ब्रॉड नेक नहीं था तब मार्किंग की थी, अभी हमारा जैसे नीचे ब्रॉड है तो हम थोड़ा साइड से ले लेते हैं इस प्लेट को। तो देखिए प्लेट मैंने डाल दी है 5 इंच लंबी और देखिए अभी नेक को तैयार करते हैं। जैसे मैंने बताया था ऐसे पट्टी तैयार कर ली है और हम नेक से इस तरह से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए मैंने स्टिच कर दिया है, अभी हम क्या है इसमें पाइपिंग दे देते हैं। देखिए इस तरह की पाइपिंग देंगे। तो देखिए हमने पाइपिंग लगा दी है, अब नीचे की फिनिशिंग देते हैं। यहाँ पर भी हम पाइपिंग दे रहे हैं। तो देखिए मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लिया और इस तरह से डबल फोल्ड करके कमर में हम इस तरह से पाइपिंग दे देते हैं। देखिए ये जो स्टिच डाली है उसके बाद इसको खोल देते हैं और यहाँ पर इस तरह से हम पाइपिंग दे देते हैं सही।
तो देखिए मैंने 5 पिन भी लगा दिए, नीचे भी लगा दिए, और इसी तरह मैंने दोनों साइड के पीस तैयार कर लिए हैं। अभी हम ऊपर का नेक तैयार करते हैं। जैसे मैंने ये 2 इंच की पट्टी कट की थी, अभी हम नेक में अटैच करते हैं। तो देखिए पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड कर लें, और जो ये ब्लाउज है इसको हम उल्टा रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे इसको लूज छोड़ेंगे नीचे वाले को, इसको थोड़ा सा टाइट रखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ तक स्टिच कर लिया। अभी जैसे हमने ये ऊपर का पार्ट है, देखिए जो ड्राफ्ट था ये इधर का था, तो यहाँ पे हमने ये 1.5 इंच लिया था, तो हमको यहाँ पे 3 इंच छोड़ देना है प्लेन। तो यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग कर देते हैं। तो देखिए 3 इंच ले यहाँ तक छोड़ दें। तो अभी हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं और 3 इंच से दूसरा वाला पार्ट लेते हैं। और यहाँ से हम इस नेक को अटैच करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से स्टिच हो गई। अभी हम इसको सीधा कर देते हैं। तो देखिए ये सीधा करने पर इस तरह से आएगा, और जो ये आगे पीछे पड़ती है इसको हम कट कर देते हैं यहाँ पर। अभी हम क्या करेंगे, इस पार्ट को यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए, ये 1/2 इंच का हमारा इस तरह से पट्टी आना चाहिए। तो देखिए हमने इस तरह से यहाँ पे पूरा स्टिच कर दिया। तो यहाँ पे ये पूरा लॉक हो गया है यहाँ से। और यहाँ पे जो अभी हम पट्टी लगाने वाले हैं उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए जो पट्टी मैंने कट की थी उसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लिया और प्रेस कर दिया। जो सिलाई है वो अंदर की तरफ आ रही है और ये बाहर की तरफ आया। तो देखिए हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे। तो नीचे के पार्ट के लिए आप इस तरह से कट कर लें। तो आपको मेजरमेंट बताती हूँ कितना लंबा। आप 1 इंच तो अंदर मार्जिन के लिए रखें, तो आपको ये 10 इंच में कट करना है जो नीचे वाला पट्टी है, फर्स्ट वाला ये 10 का। तो देखिए इस तरह से आ रहा है। उसके बाद फिर हम देखेंगे और इसे, ये हमारा थर्ड के लिए हो जाएगा। और इस तरह से हम सेट कर लें पट्टी को। तो ये पट्टी जो हमें इस तरह से लगाएंगे, ज़्यादा गैप नहीं देना है इसमें। देखिए इस तरह से हम पट्टी कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह के साइज़ के अनुसार मैंने ये पट्टियाँ कट कर ली हैं। ये 9 पीस हैं। और अभी आपको बताती हूँ इसमें स्टिच करने का तरीका। तो हम पहले एक तरफ से स्टिच कर लेते हैं, इस तरह से रखें। तो देखिए एक बार इस तरह इसको नीचे रखेंगे डिजाइन को, और इसके ऊपर यहाँ पे स्टिचिंग डाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और इधर मैंने स्टॉप कर दिया। तो एक साइड का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी दूसरी साइड भी स्टिच करते हैं। तो इस तरह से सेट कर लें इन पट्टियों को, और ये देखें ज़्यादा लूज भी नहीं होनी चाहिए, टाइट भी नहीं होनी चाहिए। और इस तरह सेट करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक हम स्टिच डाल देंगे। तो देखिए मैंने ये दूसरी लाइन भी स्टिच कर दी। तो देखिए इस तरह से हमारे ये सेट हुआ है। और देखिए ये मैंने वाइट मोती ली है, और एक नेडल में 4 फोल्डिंग का धागा ले लिया है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ बीचों बीच बांधेंगे हम यहाँ पे, इसके बीचों बीच देख लें। इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हमने जो मोती लिए हैं, इन मोतियों को यहाँ पे स्टिच करेंगे।
तो देखिए जो मोती है ये हमारा यहाँ सेंटर में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये मोती लगा दिए, तो देख रहे हैं अब इस तरह से बटरफ्लाई जैसा हमारा बन गया है। और इसी तरह सभी उम्र में बीच में ये बांधने के बाद एक एक मोती लगा देते हैं। तो देखिए ये मैंने बीच में मोती लगा दिया है, बीच बीच में बांध दिए हैं सभी में। तो देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है। और आप नीचे देखेंगे तो इस तरह की हमारी पाइपिंग आएगी, यहाँ पे हाफ इंच की इस तरह से पट्टी आएगी। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर से ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।